हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग आज के व्लॉग में आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपनी विंटर मॉर्निंग रूटीन कुछ चेंजेस इसमें किए हैं वैसे तो जो अभी हमारी एज है उसके अकॉर्डिंगली ज्यादा चेंजेस तो हम कर भी नहीं सकते रूटीन वही होती है लेकिन कई बार वेदर की वजह से या कई बार जरूरत के हिसाब से चेंजेस करने पड़ते हैं उठने का टाइम सालों से एक ही रहा है साढ़े चार से लेकर साढ़े पांच यानी कि एक आध घंटे का आगे पीछे हो जाता है समर्स में साढ़े चार और विंटर्स में साढ़े पांच और उठने के लिए अब अलार्म क्लॉक की जरूरत नहीं पड़ती एलेक्सा प्ले एड करता पूर्ख निर्व अकाल मूरत अजूनी सह भंग प्रसाद जब आद सच, जुगाद सच है भी सच नानक हो सी भी सच एक ही क्रिएटर है नाम कुछ भी दे दीजिए और सुबह उठते ही जब फील करें कि सांसें चल रही हैं तो शिकायत नहीं उसका शुक्राना जरूर कीजिए जब बहुत ज्यादा ठंड होती है तो ये कोजी सी रजाई हमें उठने नहीं देती रोकती जरूर है जो कंफर्ट हमें इसके अंदर मिलता है ना वो हमें प्रोकाशीनियर बना देता है कोई स्टूडेंट हो या मेरी जैसी कोई हाउस वाइफ ही क्यों ना हो एक बार को तो हम जरूर सोचते हैं कोई बात नहीं थोड़ा रुक के कर लेंगे शाम को कर लेंगे या कल कर लेंगे लेकिन यही एक मोवमेंट होता है जब इन सारी थॉट्स को साइड करके हमें खुद को पुश करना होता है और एक बार हम रजाई को साइड करके उठ गए तो कोई ठंड नहीं लगती और हर काम टाइम पे खत्म होता है जिसकी वजह से हम ज्यादा अच्छा फील करते हैं अगर आपने बुक इकीगाई पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि उसमें भी लिखा है कि हर इंसान के पास एक ऐसा मकसद होना चाहिए जो उसे सुबह बिस्तर से उठने पे मजबूर कर सके और अगर आपके पास ऐसा कोई गोल नहीं है तो बनाइए मुझे इतना पता है कि अगर मैं लेट उठूंगी तो भी घर के सारे काम हो जाएंगे लेकिन कहीं ना कहीं मुझे अपनी हेल्थ को निगलेक्ट करना पड़ेगा मैं प्राणायाम को या अपनी एक्सरसाइज को उतना टाइम दे नहीं पाऊंगी और अपनी सेहत ठीक रखने से बड़ा मकसद शायद कोई हो नहीं सकता विंटर्स में हवा इतनी ड्राई हो जाती है कि अगर रात को आप प्रॉपर स्किन कर करके भी सोएं तो भी सुबह उठते ही सब कुछ रिपीट करना पड़ता है विंटर्स में डल और ड्राई स्किन फेस करनी पड़ती है ये तो आप भी एग्री करोगे लेकिन शायद मैंने आपको पहले भी बताया था कि इस विंटर मैं मामा अर्थ का हनी और मलाई लोशन और हनी और मलाई कोल्ड क्रीम का यूज़ कर रही हूँ और सच बताऊँ तो मुझे ड्राइनेस की प्रॉब्लम बिल्कुल भी फेस ही नहीं करनी पड़ी क्योंकि ये स्किन को डीपली मॉइस्चराइज करता है और एक स्मूथ स्किन प्रोवाइड करने के साथ साथ ग्लो भी बनाए रखता है अगर आप घर पे हनी और मलाई का यूज करें और कंबाइन करके डी अवे बनाने की कोशिश करें तो ये काफी कॉम्प्लिकेटेड और काफी मेसी भी हो जाएगा लेकिन विदाउट एनी हेसल अगर आपको नेचुरल गुडनेस के साथ हनी और मलाई युक्त लोशन और कोल्ड क्रीम मिल जाए तो और क्या चाहिए नॉर्मल कोल्ड क्रीम्स को लगाने से जो चिपचिपाहट होती है सच कहूँ तो इस विंटर मुझे वो टॉयलेट ही नहीं करनी पड़ी क्योंकि मामा अर्थ की ये लाइट वेट हनी मलाई कोल्ड क्रीम एकदम से स्किन में ऑब्जॉर्ब हो जाती है डेली आप इसे आराम से यूज कर सकते हैं मतलब विदाउट एनी टेंशन क्योंकि इसमें कोई भी हार्मफुल केमिकल्स या टॉक्सिन्स है ही नहीं और तो और इसकी फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी है तो इस विंटर ग्लो नेचुरली और इनके सभी प्रोडक्ट आपको एमेजॉन फ्लिपकार्ट मामा अर्थ की ऑफिशियल वेबसाइट और ऐप पे बहुत इजीली मिल जाते हैं और आपको सुनकर खुशी होगी कि इसके अलावा ये अब आपको नियर बाय स्टोर्स में भी मिल जाएंगे और ये तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि एवरी टाइम यू बाय फ्रॉम देम दे विल लिंक योर ऑर्डर ऑन द वेबसाइट टू अ ट्री दैट दे प्लांट एंड बाय 2025 मामा अर्थ का एम टी मिलियन ट्रीज प्लांट करने का है और अगर आप मामा अर्थ की ऑफिशियल वेबसाइट से परचेज करते हैं तो मेरा कूपन कोड शेप ऑफ ट्वेंटी का यूज जरूर कीजिएगा ताकि आपको ट्वेंटी डिस्काउंट मिल सके बाय करना चाहें तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा सुबह आपको योग करना हो प्राणायाम करना हो या फिर ध्यान ही क्यों ना लगाना हो बाहर नहीं बैठा जा सकता क्योंकि बहुत ज्यादा ठंड होती है तो उतना अनकम्फर्टेबल हम फील करते हैं तो वो प्रॉपर जो चीज़ हम करना चाहते हैं वो हो ही नहीं पाती इसलिए विंटर्स में मैं अपने रूम में ही प्राणायाम कर लेती हूँ लेकिन अपने रूम का डोर जरूर खोल लेती हूँ ताकि फ्रेश हवा बाहर से आ सके इस टाइम तो किचन में भी कोई काम नहीं होता है इसलिए ये टाइम सिर्फ खुद के लिए तो दर्शन क्रिया करने के बाद मैं थोड़ी देर ध्यान लगाती हूँ एक्सरसाइज वगैरह इस टाइम नहीं करती हूँ वो आपको भी पता है कि मैं जिम जाती हूँ लेकिन जिम जाने की टाइमिंग्स भी मैंने काफी चेंज कर दिए हैं पहले हम लोग सिक्स थर्टी जा रहे थे लेकिन क्योंकि बहुत ज्यादा फॉग होती है और काफी ठंड होती है इसलिए उस टाइम को अवॉइड कर रही हूँ और वैसे भी जैस्मिन काफी लेट्स होती है तो सुबह उससे उतना जल्दी उठा भी नहीं जाता क्योंकि वो भी मेरे साथ ही जिम जाती है तो लेट जिम जाने का अगर एक रीजन वेदर है तो दूसरा जैसमिन भी है एक लाइन मैं अपने ब्लॉग्स में काफी यूज करती हूँ कि सुबह की शुरुआत लेमन वॉटर के साथ तकरीबन पांच सालों से आप लोग मुझे देख रहे हैं और उससे भी पांच सात साल और पीछे लगा लीजिए तब से मैंने लेमन वाटर पीना शुरू किया था और साल के तीन सौ पैंसठ दिन में ये पीती हूँ

लेकिन इनको चूज करवाना बहुत मुश्किल है कि क्या खाएंगे क्या नहीं खाएंगे एक्चुअली हम लोग ऑप्शन देते हैं ना हमारे टाइम में इतनी ऑप्शन नहीं हुआ करती थी जो है वही खाना है लेकिन अब क्योंकि ऑप्शन होती हैं तो शायद हमारे देने से हाँ सो रहे हम से तो आप मेहरबानी कर ले बाकी बातें छोड़ दे कैप और जैकेट पहन के पढ़ाई की अगर ठंडी लगती है तो कितना गर्म गर्म पानी देते हैं और इसने इस बार नया शुरू किया है कि मुझसे बैठ के पढ़ाई नहीं होती अगर मैं गर्म पानी से नहाता हूँ तो बिल्कुल कोल्ड वाटर मतलब कितना ठंडा आप कह सकते Not हैं आठ डिग्री सेल्सियस पर होता है और ये रात को नहाता है हमेशा मतलब सोने से पहले नहाएगा ये बचपन में भी ऐसे ही नहाती थी मैं इनको वही आदत पड़ी हुई है कि विंटर्स में रात को ही नहा के सोना है फिर सुबह उठते पढ़ना शुरू कर देता है लेकिन रात को पानी जो पूरा दिन ठंड पड़ी होती है टंकियों के ऊपर और टंकियों का जो पानी है पूरा बर्फ़ की तरह ठंडा होता है और ये उस चिल्ड वाटर से ये नहाता है मुझे तो घबराहट होती है बट इसको लगता है कि अगर मैं गर्म पानी से नहाता हूँ तो फिर बहुत कम्फर्ट जोन में चला जाता हूँ तो मुझे कम्फर्ट में नहीं जाना मुझे थोड़ी देर बैठ के पढ़ाई करनी होती है बींग अ मॉम मुझे ऐसा लगता है कि यार नहीं पानी बहुत चिल्ड है हमसे तो हाथ नहीं लगाया जाता और तुम उससे नहाते हो यस घर में सबसे पहले भूख लगती है इस शैतान को मोस्ट ऑफ द टाइम इसके लिए चपातियां मैं रात को ही बना के रख देती हूँ ताकि सुबह उठते ही पहले इसको खाना दे सकूं खाना गिरागे से छत पे छोड़ना होता है क्योंकि उसके बाद हाउस हेल्प पर जाती है सफाई वगैरह के लिए तो जब तक क्लीनिंग वगैरह होगी स्टफी और जोई ऊपर ही रहेंगे समर्स में तो चलो मैं लोड मॉर्निंग में ही लगाती हूँ लेकिन विंटर्स की बात करूं तो मोस्ट ऑफ द टाइम मैं रात को ही लोड लगा के सोती हूँ ताकि जैसे ही मौसम साफ हो कपड़े सुखाने के लिए डाल सकूं आजकल फॉग वगैरह काफी होती है अगर मौसम साफ नहीं हुआ तो फिर वो अंदर ही डालने पड़ते हैं प्राणायाम वगैरह करके सात बजे मैं नीचे आ जाती हूँ उसके बाद जोई को खाना देना कपड़े सुखाने के लिए डालना अपना लेमन वाटर को भी मैं दस से पंद्रह मिनट जरूर देती हूँ सूखे हुए सारे बर्तन सेट करके लगाना और ये सारे काम निपटाते निपटाते तकरीबन मुझे आठ ही बजने को हो जाते हैं मॉर्निंग में चाय वगैरह बिल्कुल भी नहीं पीती बहुत सालों से मैं कभी नहीं पीती आजकल मम्मा नहीं है इसलिए चाय मैं बना रही हूँ नहीं तो चाय बनाने का डिपार्टमेंट भी मेरा नहीं है पापा और कुलदीप जी को चाय वगैरह पिला के उसके बाद मैंने अपनी कुकिंग स्टार्ट की और शुरुआत लंच बनाने से ही करती हूँ क्योंकि आठ बजे के करीब कोई भी नाश्ता नहीं करता है आजकल नौ बज ही जाते हैं जो व्यूअर्स मुझे काफ़ी टाइम से फॉलो करते हैं उनको पता भी है कि मैं हमेशा ब्रेकफास्ट और लंच साथ में ही बनाती हूँ अब तो मेरे पास दो हाउस हेल्पर्स हैं क्लीनिंग के लिए और साथ में डिशेस वगैरह क्लीन करने के लिए लेकिन अगर मैं डेढ़ साल पहले की बात करूं तो ये सारा काम मतलब कुकिंग क्लीनिंग सब मैं खुद ब खुद करती थी लेकिन जैसे जैसे सोशल मीडिया पे काम करने का वर्कलोड बढ़ता गया वैसे वैसे मैंने अपने आप को थोड़ा फ्री भी किया और जब आपके पास ऑप्शन हो तो उन ऑप्शन को यूज जरूर कर लेना चाहिए और ऑप्शन का एडवांटेज उधे बहुत बढ़िया लेता है नॉर्मल दाल सब्जी में भी उसकी बहुत सारी च्वाइस होती है ये खाना है ये नहीं खाना है जैसे कि आज मैं ब्लैक चने बना रही हूँ तो ब्लैक चने वो बिल्कुल नहीं खाता तो साथ ही मैं फिर मिक्स वेजिटेबल भी बना रही हूँ ब्रेकफास्ट के लिए पोहा बना रही हूँ पोहा वो नहीं खाता तो उसके लिए ब्रेड एग और चीज बनाऊंगी और वो भी तब जब उसे खाना होगा कई बार मैं सेल्फ डाउट भी करती हूँ कि कहीं ना कहीं शायद मैंने गलत तो नहीं किया जो हमेशा मैं बच्चों को खाने में चॉइसेस देती हूँ लेकिन बच्चे भी हमारे पास कई बार ऑप्शन नहीं छोड़ते पहले पहले मैंने उदय के साथ काफ़ी बार ये ट्राई किया है कि खाना है तो यही खाना है नहीं खाना है तो भी यही खाना है और सच मानिए उसने पूरा पूरा दिन कुछ नहीं खाया और वैसे भी अभी तो उसके बोर्ड्स हैं कंपिटेटिव एग्जाम की तैयारी भी वो कर रहा है तो उसे भूखे तो नहीं रखा जा सकता वैसे भी मैं भी अपनी चॉइस का ही खाना खाती हूँ तो उन्हें भी ऑप्शन क्यों ना दूँ एटलीस्ट बच्चा भूखा तो नहीं रहेगा मैंने अपने बच्चों के साथ कभी सख्ती की ही नहीं और ये सब करने में मैंने क्या खोया वो तो मुझे पता नहीं लेकिन पाया मैंने बहुत कुछ मैंने बच्चों के साथ अपना एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड पाया है वो ओपनली मेरे साथ अपनी हर बात शेयर करते हैं और उनका कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल है कुकिंग के लिए अगर मैं ऑयल की बात करूं तो सिर्फ मस्टर्ड ऑयल का ही यूज करती हूं। पहले पहल कभी कभार एक आधी लीटर रिफाइंड ऑयल ले आया करती थी जिसे फ्राई वगैरह के लिए यूज कर लेती थी लेकिन अब मैं वो भी नहीं लेके आती अपने घर में रिफाइंड ऑयल लेके आना मैंने बिल्कुल बंद कर दिया है एक आध लीटर मस्टर्ड ऑयल को वैसे ही गर्म करके रख लेती हूँ जिसे पराठों के लिए या फ्राई करने के लिए यूज किया जा सके कुछ रेसिपीज के लिए मैं ऑलिव ऑयल का भी यूज करती हूँ और बाकी देसी घी हम अपने घर का बना हुआ ही इस्तेमाल करते हैं लीजिए पोहा बिल्कुल खिला खिला बनता है एक आध मिनट पानी में रख के उसके बाद छन्नी में रख दीजिए बिल्कुल सूखने दीजिए उसके बाद इसे यूज कीजिए तो इस वक्त मेरे चारों बर्नर बिजी हैं एक तरफ मैंने मस्टर्ड ऑयल गर्म करने के लिए रखा हुआ है चने बॉयल हो चुके हैं मिक्स वेजिटेबल बन रही है और साथ ही पोहा तैयार हो गया है सर्दी में तो खाना मिनटों में ठंडा हो जाता है तो बना बना के मैं इनको केस रोल्स में डालती रहती हूँ ताकि कुछ टाइम तक तो गर्म रहे मेरा बुगड़ू का है? बस अभी चने को तड़का लगाना बाकी है वो लगा के सोचा था बिल्कुल फ्री हूं और मेरी कुकिंग खत्म हो गई है लेकिन फिर मुझे अचानक से ख्याल आता है कि मेरे पास थोड़ी सी मेथी पड़ी है मुझे लग रहा था कि वो पीली हो जाएगी क्योंकि वो काफी दिनों की पड़ी है तो सोचा एक मुट्ठी मेथी की है एक आलू डालूंगी फटाफट से सब्जी तैयार हो जाएगी और वो यूज भी आ जाएगी तो लगे हाथ वो काम भी साथ के साथ ही निपटा दूंगी तो जब आप किचन में होते हो ना तो कोशिश कीजिए कि मैक्सिमम खाना बना दीजिए क्योंकि जब हाथ उस तरह से चल रहा होता है तो फ्लो फ्लो में आप काफी काम निपटा लेते हैं ऑयल डिस्पेंसर के बारे में भी मुझे कोई पूछ रहा था तो नॉर्मल से स्टील के दो डिस्पेंसर है मेरे पास इनमें हैंडल नहीं लगा है लेकिन जब मैंने ये ले लिए थे और इनको यूज कर रही थी उसके बाद मैंने देखा कि हैंडल वाले भी आते हैं इसमें वो ज्यादा कन्वीनियंट है तो अगर आप लेना चाहते हैं तो स्टील के ले लीजिए लेकिन हैंडल वाले लीजिए वो ज्यादा बढ़िया रहेगा लीजिए कुकिंग खत्म और मेरी कुकिंग खत्म होने का वेट सबसे ज्यादा स्टफी कर रहा होता है इसके बाद में से वॉक पे लेके जाऊंगी अर्ली मॉर्निंग लेके जाती थी लेकिन ठंड की वजह से अब ये टाइम भी मैंने चेंज कर दिया है तो पहले मैं अपने कुछ जरूरी काम निपटा लेती हूँ उसके बाद इसे वॉक पे लेके जाती हूँ और सारा कुकिंग पार्ट खत्म करते करते और सबको नाश्ता करवाते करवाते साढ़े नौ हो आते हैं उसके बाद में स्टफी को वॉक पे लेके जाती हूँ देन आके मैं अपनी कॉफी बनाती हूँ मतलब ब्लैक कॉफी कॉफी का एक शॉट लेके फिर उसके बाद मैं जाती हूँ जिम तो जिम जाने के मेरे टाइमिंग्स जो है वो काफी चेंज हुए हैं यानी कि 10 से साढ़े दस बजे के बीच में मेरा जिम का टाइम स्टार्ट होता है पांच मिनट लगा के कॉफी पीती हूँ उसके बाद रेडी वेडी होने में और जिम पहुंचने में मुझे कम से कम भी पंद्रह बीस मिनट लग जाते हैं उतने में कॉफी मुझे एनर्जी देना शुरू कर देती है जनवरी फर्स्ट में मैंने इस रूटीन को फॉलो करना शुरू किया था तब से मुझे काफी पसंद भी आ रही है मतलब सोचिए आपकी निगरानी में सारे घर की सफाई भी हो गई कुकिंग पार्ट आपने सारा खत्म कर दिया ब्रेकफास्ट सबको करवा दिया लंच आप रेडी करके आए हो अब जिम में मुझे चाहे डेढ़ घंटा लगे चाहे दो घंटे ही क्यों ना लग जाए पर पीछे की मुझे कोई फिक्र नहीं और इस रूटीन को फॉलो करने से सबसे बढ़िया एक जो चीज हो पा रही है वो पता है आपको क्या है वो है मेरी इंटरमीट फास्टिंग इस रूटीन के साथ 16 से 17 घंटे की फास्टिंग मैं कर पा रही हूँ तो 10 से साढ़े दस बजे के बीच में मैं जिम आती हूँ और 12 से साढ़े बारह बजे के बीच में घर लौटती हूँ तो तब मैं जाके खाना खाती हूँ मतलब अगर रात का खाना मैंने 8 से साढ़े आठ बजे के बीच में लिया था तो नेक्स्ट डे जो मेरी ईटिंग विंडो स्टार्ट हो रही है वो बारह से साढ़े बजे के बीच स्टार्ट होती है लेकिन कई बार तो एक भी बच जाता है और इंटरमीडिएट फास्टिंग में पानी में खूब पीती हूँ ग्रीन टी लेती हूँ जैसे कि मैंने अभी ब्लैक कॉफी भी ली है तो जितना टाइम फास्टिंग रहती है बॉडी की क्लीनजिंग होती रहती है और एक्सरसाइज की बात करूँ तो एक्सरसाइज करना अब मेरा पैशन बन चुका है बहुत अच्छा लगता है मुझे जिम में आना और एक्सरसाइज करना अब डे बाय मैंने वेट्स भी इंक्रीज करना शुरू कर दिया है लेकिन ये काम मैं बहुत ही स्लोली कर रही हूँ फैमिली ने मुझे बहुत रोका कहा विंटर्स में तो लोग जिम जाना छोड़ देते हैं तू ज्वाइन क्यों कर रही है विंटर्स के बाद ज्वाइन कर लियो तो मैंने उनकी बात सुनी और उसके बाद मैंने इकट्ठी तीन महीने की फीस पे कर दी ताकि मेरे पास कोई एक्सक्यूज ना रहे ना जाने का और यहाँ पे ठंड से क्या डरना आप देखिए जिन जगहों पे माइनस में टेम्परेचर होता है वहां पे भी लोग घर से बाहर निकलते हैं और अपने अपने काम पे जाते हैं तो किस चीज की आपके लिए क्या वैल्यू है और कौन सी चीज आपके लिए प्रियोरिटी रखती है वही मैटर करता है उसके अलावा ठंड गर्मी ये तो आने जाने का खेल है वेदर की वजह से टाइम की एडजस्टमेंट तो की जा सकती है लेकिन किसी जरूरी चीज को करना ही छोड़ दिया जाए ये बात थोड़ी हजम नहीं होती सो डोंट मेक एक्सक्यूजेस और स्पेशली जब बात आपकी हेल्थ की हो आज दोनों लार्ज मसल्स पे ही काम कर रही हूँ चेस्ट और बैक दोनों लगा रही हूँ और बैक लगाते वक्त 7.5 पॉइंट का जो डंबल था मुझे थोड़ा सा लाइट लग रहा था इसलिए मैंने 10 के का डंबल लिया और उसके साथ बैक लगाई जिस दिन मैं दोनों लार्ज मसल पे काम करूं उस दिन मुझे घर जाते जाते एक बज ही जाता है और उस वक्त एक्सट्रीम भूख लग रही होती है सभी होम मेकर्स जो घर को मैनेज करने के साथ साथ अपनी हेल्थ को भी मैनेज करना चाह रही हैं, उनके लिए मैंने थोड़ा सा ये आइडिया दिया है अगर आप इस तरह करना चाहें जैसे मैं आजकल कर रही हूँ तो काफी आपके लिए कन्वीनियंट हो जाएगा हर चीज को मैनेज करना विंटर्स में हमारी काम करने की स्पीड भी थोड़ी स्लो हो जाती है इसलिए भी डे थोड़ा ज़्यादा प्रोडक्टिव हो नहीं पाता समर्स में तो ये प्रॉब्लम भी नहीं रहेगी उधर तो खैर अपने एग्जाम्स की तैयारी करने में बिजी है तो उसने तो कुछ टाइम के लिए जिम छोड़ दिया है जैसमिन आती है लेकिन वो भी कई बार नहीं भी आती है लेकिन मुझे इस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई मेरे साथ है या नहीं है जो चीज़ मुझे करनी है वो मुझे करनी ही है वो कहते हैं ना आपके सिवा आपको कोई खुश नहीं कर सकता और दुखी भी नहीं और आपके सिवा आपको कोई रोक नहीं सकता तो मेरी ये नई विंटर रूटीन आपको कैसी लगी मुझे बताइएगा जरूर और मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में टिल देन बाय टेक केयर एंड स्टे हेल्दी